सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं हूं दिनेश लाल यादव निरहुआ और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर जनता की आवाज। बंदरा प्रखंड के घोसरामा स्थित पावर ग्रिड कार्यालय पर लगातार बिजली कटौती और खराब ट्रांसफार्मर को लेकर ग्रामीणों ने पावर ग्रिड कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 5 दिनों से घोसरामा इलाके के वार्ड संख्या 1 और 4 का ट्रांसफार्मर जला हुआ है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने कनीय अभियंता को शिकायत किया था, लेकिन इसके बाद भी बिजली कटौती में किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ, जिसको लेकर लोगों का धैर्य का बांध टूट गया और लोगों ने कार्यालय का घेराव किया। हंगामा देख कनीय अभियंता कार्यालय छोड़ भाग गए, जिसकी वजह से ग्रामीणों में आक्रोश है। मुजफ्फरपुर जनता की आवाज के लिए राकेश कुमार झा की रिपोर्ट। कि हमारे वहाँ पे जब से पावर ग्रिड बना है तार वही है, बार बार ये तार जो है वो चू जा रहा है वार्ड नंबर 4 में, और उसके बाद उससे 2-3 बार चुआ है तो उसको हम लोग जोड़वा दिए। उस पर क्या है, कोई भी बच्चा रहता है रोड पे, आदमी रहता है, कोई भी अगर उससे अगर मरता है तो उसका जवाबदेही तो कोई नहीं होगा। हम लोग हमेशा लाइट के लिए परेशान होते हैं, उसके बाद भी हम लोग हमेशा शिकायत कर रहे हैं कि ये तार चेंज होना चाहिए। तार हम लोग को इतना दिक्कत है, एक तो वोल्टेज भी नहीं रहता है, अब वोल्टेज नहीं रहने का कारण वो तो अलग हो गया। उसके बाद हमेशा जो है कभी नहीं एक हफ्ता लाइट उजला होगा, हर 2 दिन पे हम लोग को मिस्त्री बुलाते हैं प्राइवेट अपना खर्चा करके, हमेशा 100 दो 200 दो 500 दो, हमेशा यही कारण है। तो इसीलिए हम लोग इकट्ठा हुए और कभी भी लाइट का जो है हम लोग को व्यवस्था पावर हथियार नज़दीक में है, उसके बाद भी लाइट का ही स्थिति है कि रात में पंखा भी नहीं चलता है, इतना स्थिति है खराब है। एक बड़ा ट्रांसफार्मर उसके बाद भी चेंज, पहले छोटा था तो भी दिक्कत था, उसके बाद बड़ा ट्रांसफार्मर लगा तो भी उससे कोई समस्या दूर नहीं हुआ, और उसके बाद कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम यही कहना चाहते हैं कि वो तार चेंज होना चाहिए, हम लोग को जो लाइट का है वोल्टेज का दिक्कत है वो पूरा होना चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा जमा हुए हैं कि लाइट है। अभी हम लोग एक हफ्ता से गर्मी में मर रहे हैं, उसके बाद भी लाइट नहीं मिल रहा है। परेशानी यही है कि 3-4 दिनों से हम लोग का ट्रांसफार्मर जल चुका है और उससे कोई भी एक्शन नहीं लिया गया अभी तक। इस वजह से आज हम लोग आए थे यहाँ पे कि कुछ किया जाए, बट यही यहाँ से चले गए हैं और यहाँ कोई नहीं है, इस वजह से हम लोगों ने यहाँ आए हुए हैं इकट्ठा, इसी वजह से हुए थे क्योंकि हमको बहुत परेशानी हो रही है कि बिजली नहीं है। इस संदर्भ में आपने संतोष जी, अभी जो लोग हैं काफ़ी ग्रामीण आक्रोश में हैं और आपके गेट के पास खड़े हैं, इन लोगों का आरोप है कि इनके क्षेत्र में तार जो है वो सही नहीं है, गल जा रही है, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे सर? इस पर लोगों का वर्क और एस्टिमेट बना हुआ है, सीनियर पदाधिकारी लोग इस अपने तरफ से काम कर रहे हैं सर। तो अभी बाढ़ के कारण जो है ना इसको अभी नहीं हो पाया है, जैसे ही पानी थोड़ा सा कमेगा सारा क्लियर हो जाना चाहिए।